नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार। कहा आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी हो जाएगी रद्द। नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले पर घिरी सरकार। कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार पेपर लीक सरकार। प्रियंका गांधी ने कहा क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की लेंगे जिम्मेदारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में फैसला सुरक्षित। ईडी ने कहा हवा में जांच नहीं की। केजरीवाल की दलील केस कल्पना पर आधारित। नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से झटका। आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने का आदेश रद्द। बिहार में राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ईबीसी व ओबीसी को दिया था 65% आरक्षण। हरियाणा में चुनाव से पहले किसान बढ़ाएंगे बीजेपी की टेंशन। पूरे राज्य में निकालेंगे यात्रा। शंभू बॉर्डर पर रेल का चक्का जाम करने का किया है आह्वान। बीजेपी नेता सुरमा पाढ़ी बनी ओडिशा विधानसभा की स्पीकर। स्पीकर पद के लिए अन्य उम्मीदवार के नहीं होने के कारण निर्विरोध चुनी गई पाढ़ी। तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक 34 लोगों की गई जान। 100 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। कलेक्टर एसपी बर्खास्त। सीआईडी को सौंपी घटना की जांच। महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को दी चुनौती। कहा इस विधानसभा चुनाव में मुकाबला मेरे और आपके बीच। बिहार के बाद अब झारखंड में भी होगी जातीय जनगणना। चंपाई सोरेन सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला। बीजेपी सांसद नारायण राणे के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे शिवसेना यूबीटी नेता विनायक राउत। कहा मैं चुनाव नहीं हार सकता। राणे ने फर्जी तरीके से जीता चुनाव। अदालत जाने की दी चेतावनी। दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे बातचीत। पड़ोसी पहले नीति पर फोकस। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वॉशिंगटन में रखा योग सत्र। कई लोगों ने लिया हिस्सा। 2015 से 21 जून को दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सऊदी में भीषण गर्मी से 90 भारतीयों समेत 900 हाजियों की गई जान। इस साल 1.75 लाख भारतीय हज पर गए। कश्मीर पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बयान पर भारत ने लगाई फटकार तो भड़का पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर पर भारत के दावे को बताया पूरी तरह निराधार और गलत। चीनी सेना ने अब एक और पड़ोसी पर किया गलवान जैसा हमला। फिलीपींस के सैनिकों पर चाकू और भाले से किया अटैक। दोनों की सेनाएं समुद्र में आमने सामने। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। कहा हमारी वित्तीय प्रणाली कोविड संकट से पहले की तुलना में मजबूत स्थिति में। भीषण गर्मी से 3 माह में ही एसी उद्योग में 50% वृद्धि। हवाई मार्ग से मंगाने पड़ रहे पुर्जे। एसी की मांग में बढ़ोतरी के बीच 5% तक बढ़े दाम। टी20 विश्व कप 2024 में भारत और अफगानिस्तान में भिड़ंत। आज सुपर 8 के तहत दोनों टीमें होंगी आमने सामने। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत के लिए जीत जरूरी। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलते ही रिलीज को तैयार हमारे 12। 21 जून 2024 को होगा मूवी का प्रीमियर। कोर्ट ने दी है सशर्त मंजूरी। कुछ कुछ होता है नहीं करना चाहते थे शाहरुख खान। फराह खान ने किया खुलासा। कहा कॉलेज स्टूडेंट के रोल के लिए तैयार नहीं थे शाहरुख।